हमारे देश में हर त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल दिवाली को लेकर कुछ खास कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इस बार दिवाली की तारीख पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आम जनता तो है ही कंफ्यूज, वहीं हमारे देश के महान से महान पंडित और ज्योतिष भी इस बार दिवाली को लेकर सोच विचार में पड़े हुए हैं। आज हम इसी चीज को लेकर, साथ ही इस कंफ्यूजन को लेकर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। आपको बता दें कि इस बार देश में जो दिवाली है वो दो अलग अलग तारीखों पर मनाई जा रही है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को। दरअसल ज्योतिषाचार्यों और विद्वानों के बीच दिवाली के सही दिन को लेकर मतभेद है। काशी के पंडितों से लेकर देश भर के विद्वानों ने इस पर चर्चा की है, लेकिन अभी तक एकमत होकर कोई एक तारीख तय नहीं हो पाई। काशी के ज्योतिषों का मानना है कि 31 अक्टूबर को ही लक्ष्मी पूजन का सही मुहूर्त है, जबकि अयोध्या, रामेश्वर और इस्कॉन जैसे कुछ प्रमुख धार्मिक स्थानों पर 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर यह असमंजस क्यों हो रहा है। देश के प्रमुख पंचांग जैसे कि राष्ट्रीय पंचांग और खगोल विज्ञान केंद्र कोलकाता द्वारा तैयार पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को ही दिवाली तय की गई है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की अलग अलग धाराओं के चलते देश में अलग अलग हिस्सों में अलग तिथियों पर दिवाली मनाने की योजना बन रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम किस तिथि को सही माने। काशी और उज्जैन के ज्योतिषों का कहना है कि प्रतिपदा के दिन लक्ष्मी पूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए 31 अक्टूबर को ही दिवाली का पर्व मनाना उचित है। वहीं दूसरी ओर अयोध्या और अन्य स्थानों के ज्योतिष आचार्यों के तर्क हैं कि 1 नवंबर को सही समय है। इस स्थिति ने आम जनता को भी कंफ्यूज कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उन्हें किस दिन दिवाली मनानी चाहिए। केंद्र सरकार और कई राज्यों के अधिकारी कैलेंडरों में दिवाली की तारीख 31 अक्टूबर बताई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्य शामिल है, लेकिन धार्मिक स्थलों और स्थानीय विद्वानों के तर्क अलग अलग है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। तो अब सवाल ये है कि आप किस दिन दिवाली मनाएंगे। ज्योतिषों के अपने अपने तर्क हैं और इसलिए देश में इस साल दो दिन दिवाली मनाने की स्थिति बन गई है। हमारे देश की खूबसूरती ही इसमें है कि भले ही तारीखों में फर्क हो, लेकिन उत्साह और धूमधाम एक जैसी ही होगी। तो चाहे आप 31 अक्टूबर को दिवाली मनाएं या 1 नवंबर को, त्योहार की खुशियां सबके दिलों में जगमगाएंगी। धन्यवाद, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। हम मिलेंगे एक और खास रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।